कैथल पहुंचे इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज से मैं कैथल के गांव के दौरे शुरू कर रहा हूं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाएंगे और अपना मिशन लोगों को बताएंगे। आज हरियाणा का युवा नशे में डूब रहा है। किसी समय में पंजाब को उड़ता पंजाब कहती थी, परंतु आज के समय में उड़ता हरियाणा हो गया है। हमें उसे नशे से कैसे बाहर लाना है, उसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं। हम युवकों को रोजगार देंगे ताकि वे अच्छे से बाहर आ सके। कैथल विधानसभा के अलग अलग गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। पटीखोल गांव के अंदर मैं पहुंचूंगा, अभी पटीखोट के अंदर, फिर मानस के अंदर, फिर बाबा लदाना के अंदर, फिर बूढ़ा खेड़ा में, संगतपुरा के अंदर, नंद सिंह वाला के अंदर, सांगन के अंदर, मालखेड़ी के अंदर, पांडला के अंदर, गढ़ी पांडला के अंदर, और फिर वार्ड नंबर 25 में तलाई बाजार के अंदर शाम को। इस तरीके से हर रोज़ मैं 15 से 20 गांव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार, कल से मैंने शुरुआत की थी। कल मैं राजौर में था, आज मैं कैथल में हूँ, आने वाले कल मैं कलायत में होगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 950 गांव हैं और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया है कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा और आज इंडिया गठबंधन को जिताने की मैं अपील करूंगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ा तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर निकलती है। हरियाणा में हर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे के लिए अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा हो गया। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था, आज हर घर के अंदर ये नशा पहुँच चुका है। और गांव में जब हम जाते हैं, एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा ले रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर, और लोग अपनी ज़मीन बेच बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। बॉर्डर पे कई बार जो ज़मीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वाले के पास पैसे नहीं होते। अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए, भारत हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को, जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इसराइल के बीच में, यहाँ पे भेजे गए युद्ध के क्षेत्र में, उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज की ड्रेस पहना के वहाँ पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया। और कैथल जिले के एक बच्चे के गोली लगी भी है, वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुला जाए। आपको बता दें कि कैथल पहुंचे इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज से मैं कैथल के गांव के दौरे शुरू कर रहा हूं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाएंगे और अपना मिशन लोगों को बताएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।